युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार से सम्मानित करते हुए हमें हर्ष हो रहा है और हम मंच पर आमंत्रित करेंगे स्वामी श्री हरिदास जी की दिव्य परंपरा के संवाहक स्वामी हरिदास जी की 7th जनरेशन सुप्रसिद्ध भागवत कथा वाचक श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी के सुपुत्र व्याकरण आचार्य श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी हमारे बीच, जिन्हें आज इस युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए भारतीय छात्र संसद के इस मंच पर हम सादर आमंत्रित करते हैं। आपकी तालियों के बीच आपने मात्र 18 साल की आयु में हजारों भक्तों के सम्मुख भागवत कथा का वाचन किया। जन जन में भक्ति का रंग भरने वाले कृष्ण कथा वाचन के विशिष्ट नाम श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी। जोरदार तालियों के साथ अपना सम्मान प्रकट करेंगे युवा आध्यात्मिक गुरु के लिए। आप यहीं से आपकी भावना व्यक्त करें। I'm extremely humbled to be here today amongst all of you। सभी डिग्निटरीज को और यहाँ पर आए सभी युवाओं को मैं हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। समय तो बहुत कम है क्योंकि हमारा गला तो 4 घंटे में गर्म होता है। अभी हमारे राहुल जी बोल रहे थे कि भक्ति का, डिवोशन का संबंध क्या बुढ़ापे से है? ऐसा नहीं है। मैं बोला करता हूं, जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है और जवानी ही सुधरने का मौका है। आप सब भारत का भविष्य हैं। कितने राजनेता यहां से आगे निकलेंगे जो हमारे देश के लिए कुछ करेंगे, मुझे उम्मीद है। हैप्पीनेस की बात हुई तो मुझे याद आया कि सुबह का टाइम था, एक फकीर सड़क किनारे बैठा था। एक कोई युवा वहां से गुजरा। उस फकीर ने दोनों हाथ ऊपर करके उस जाते हुए युवक को कहा कि बेटा कुछ हो तो दे जा। उस युवक ने अपने चारों तरफ पॉकेट्स में हाथ डाला। उसको लगा कि आज वो अपना वॉलेट भूल आया है, उसका वॉलेट घर रह गया। उसको बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैं भारत के युवा की बात कर रहा हूं, आज के युवा की। तो उस युवक ने, उसको गिल्टी फील हुई कि मैं कुछ भी नहीं लाया साथ। उसने अपने दोनों हाथ उस फकीर के हाथ पर रख दिए, कहा कि बाबा मैं कल भी यहीं से गुजरूंगा एंड आई प्रॉमिस यू मैं कल कुछ देकर जाऊंगा आपको। जब उसने ये कहा तो फकीर की आंख में आंसू आए और वो बोला कि बेटा अब तुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज जो तूने मुझे दिया है ये आज तक किसी ने नहीं दिया। बोले मैंने ऐसा क्या दिया? उस फकीर के शब्द थे कि इन हाथों में पैसे रखने वाले लोग बहुत आए पर इन हाथों में हाथ रखने वाला आज तक कोई नहीं आया। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि ऐसा ही एक भारत खड़ा हो जिसमें चारों तरफ प्रसन्नता हो, हैप्पीनेस हो, पीस हो और हम सेल्फलेस होकर आगे बढ़ें। क्योंकि कहीं गीता के वारिस हैं, कहीं कुरान के वारिस, हकीकत में मगर हम सब हैं हिंदुस्तान के वारिस। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव कृष्ण गोस्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।